आज हमारा लास्ट डे, हमारा आज बाय बाय ईटी का। गाइस अभी हमारी फाइल गई है साइन होने के लिए, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारे साइन भी नहीं हुए, कुछ हुआ भी नहीं। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी इनकी, इसे नाचना आता था, इसे नचाना आता था। अभी हम देख रहे हैं अपना प्रोजेक्ट, अब उसके बाद जा रहे हैं वर्चुअल टूर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है। गाइस पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, रोस्टिंग कर रहा था कुछ दिनों से, तो उसकी स्क्रिप्टिंग ही ध्यान है, मैं सब चीज़ भूल चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग की। तो अभी हम चल रहे हैं कलकुटी यूनिवर्सिटी एंड बिकॉज आज हमारा लास्ट डे, हमारा आज बाय बाय ईटी का, क्योंकि लास्ट ईयर है तो हमारा एंड सेमेस्टर चल रहा है, तो एंड पेपर है, तो बस चल रहे हैं फटाफट से यूनिवर्सिटी एंड देखते हैं आज क्या क्या होने वाला है। आज हमारा लास्ट बाय बाय वगैरह है, तो दिखाता हूँ सारी प्रोसेस क्या होती है, कि जब आप लोग भी आएंगे तो भाई आप लोग को भी एंड ईयर में यही कर सारी चीज़ें बवाल करना पड़ेगा। तो चलते हैं फटाफट से अपनी यूनिवर्सिटी एंड दिखाते हैं आप सभी को जाकर, क्योंकि आज भाई सारे लोग एंड वन मिलने वाले हैं, उसके बाद शायद ही लोग मिलें, पर देखते हैं क्या होता है। चलते फटाफट से अपनी यूनिवर्सिटी, मिलते हैं आप सभी को यूनिवर्सिटी जाकर एंड आपको फाइल्स दिखाता हूँ भाई, जो जिस तरह बहुत पैसा खराब कराया मेरा। इस फिलहाल अभी हम आ चुके हैं परिचौक एंड अभी चल रहे हैं यहाँ से ही ऑटो देख रहे हैं, बिकॉज मैं तो भूल भी चुका कि हमारे यूनिवर्सिटी के ऑटो कहाँ मिलते हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ से फटाफट एंड देखते हैं, कोई तो मिल नहीं रहा। आ चुके हैं परिचौक के यहाँ पर, देखते हैं, समझ नहीं आ रहा गलगोटिया का ऑटो कहाँ मिल रहा है, हम तो भटक चुके हैं। भाई फिलहाल अभी उनको मिल चुका है ऑटो एलटीसी यूनिवर्सिटी एंड कुछ भी नहीं पता क्या कर रहे हैं, दिन बेकार जा रहा मुझे लग रहा है। दिमाग में इतनी टेंशन हो रही हूँ ना, एंड रोज़ वीडियो हमारी चल चुकी है तो उसकी गुड न्यूज़ है, बट हमारे दिमाग में टेंशन हो रही है, बहुत सारी कंप्लीट नहीं हो चुकी है एंड बस चलते पर। तो गाइज फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी एंड गाइज आज ही सारे आंधी तूफान आने हैं, वैसे कोई आंधी तूफान नहीं आ रहा था, आज हम आए तो आंधी तूफान आ रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है पूरा ब्लर हो चुका है। अब मुझे लग रहा था कि मेरी आँखें खराब हो रही हैं, बट जब सबने बोला ना कि भाई ऐसा हो रहा है, तब पता चला कि हाँ भाई हो ही रहा है। एंड अभी हम जा रहे हैं सी ब्लॉक के सामने, बिकॉज हमारी प्रेजेंटेशन वाली आज टीम बैठी है वहाँ पर, थोड़ा बहुत काम बचा है, फाइल वगैरह तो प्रिंट करा ली थी मैंने ही सारी, तो चलते हैं यार थक चुके। एंड गाइस एक मेन बात, कल ना इतनी दौड़ भाग हो गई थी मेरी, पूरे दिन कुछ खाया ही नहीं है मैंने, बस एक बार चाप खाई थी फ्रेंड के साथ, बस कुछ नहीं खाया पूरे दिन, मौज काट रहे हैं बस। चलते हैं पहले सी ब्लॉक के सामने। गाइस अभी हमारी फाइल गई है साइन होने के लिए, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारे साइन भी नहीं हुए, कुछ हुआ भी नहीं, फाइल बस आ चुकी है एंड यहाँ पे सारे लौंडे टपरी काट रहे हैं। टिकटॉकर इन द हाउस बेबी, तो बस अभी वो बंदा साइन करा के लेके आता है, उसके बाद चलते हैं अपना दिखाते हैं प्रेजेंटेशन में क्या होने वाला है। अभी प्रोजेक्ट खोला तो पता चला वो चल नहीं रहा, सारी दुविधा हमारे में आ चुकी है, अभी बस करते हैं इसके बाद सॉल्यूशन निकालते हैं। गाइज हमारे कुछ मित्र जो दो ब्लॉग बना के शांत हो गए, रात में कॉल करते थे कहाँ पे भाई, बहुत डेडिकेशन। कौन सा ब्लॉग बनाया था गिटार विटार पकड़ के सेटअप बना के, हाँ भाई कौन सा करियर तुमने शकल देख रहे हो, दो ब्लॉग बना के ऐसे ही हाल होता है गलगुटिया में, जितने भी ब्लॉगर है सुन लें। सबसे गजब तो उसमें हुआ भाई, हाँ तो अच्छा ये बताओ कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले क्या क्या सोचा था, कौन से कॉलेज में जाऊँगा, क्या स्ट्रीम लूँगा, आए काम पे और आए BCA में 3 साल मराने रिकॉर्ड कर रहा था सबका कॉलेज भाई, तो ऑनलाइन धमकी दिया था इसका, क्या था अरे किसी का नाम लिख हो गया था ना इसके चैट का, मेरे से कहता है पता है कॉल लूंगा उसको मैं भाई यही आते साजी देख रहे हो भाई क्या हुआ तुम्हारे चैनल का हमारा टीम वाला भी है जो बनाता है स्टॉक वाला, एक दिन में कमाए 1 करोड़ रुपए और हम कह रहे हैं कमेंट में आ रहा होगा सबसे पहले 1 करोड़ का तू 1 रुपए कमा ले पहले, अभी अपने टीम वाले से भी मिलाते रुको। गाइस एक बार बाहर चेक करो कितनी तेज आंधी आ चुकी है, सब वाइट वाइट हो चुके हैं, और भाई आज ही आनी थी सारी आंधी एंड इन लोगों के एग्जाम है, ये लोग पढ़ने जा रहे हैं, देख रहे हो कितनी पढ़ाई चल रही है, कोई दिख जा कोई नहीं दिख रहा भाई। तो गाइस अभी हम आए थे अपने प्रोजेक्ट के सारी डिटेल्स अपलोड करने के लिए गूगल ड्राइव पे, वहाँ पे नेट चल नहीं रहा था, तो अभी हम आए थे फूड कोर्ट में जहाँ पे कैश वगैरह डिपॉजिट अरे पता नहीं कुछ भी होता होगा, तो यहाँ पे हम आए थे एंड अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है भाई, चलते फटाफट से बी आप एंड कुछ खाते हैं भाई। समझ नहीं आ रहा कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि 15 मिनट का टाइम है और 15 मिनट में भाई को कितने क्वेश्चन हमसे पूछेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें पता है प्रोजेक्ट के बारे में बट अब इतना डिटेल डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी बच्चे जितने भी गए हैं
उनका समझ में नहीं आ रहा, वो भी लोग कह रहे हैं भाई कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, तो बस चलते हैं, मेरे कुछ खा गए उसके बाद चलते हैं हम भी प्रोजेक्ट देने। तो गाइस अपनी आ चुकी है छोले सैंडविच, इसे खाते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज़। ये न्यून वेंसर है, वैसे ही मिलती है छोले, मैंने एक्स्ट्रा में लिए न्यून वेंसर। भाई जब ये लोग को सस्ते लोग मिले हैं, इनके कोडिंग देखो भाई, इंडेक्स का भाई कोडिंग का सी पता है भाई, ये क्या लिखा है बताइए प्रांजल, प्रांजल क्या लिखा है? हाँ इसमें कुछ तो है ही नहीं, खा लिए पूरा। आतिशबाजी है, इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, 80,000 का लैपटॉप लिया, 13 घर चला जाएंगे। अबे चलने यार, बट मैंने कुछ देखा, आप सभी को भी दिखाता हूँ, एक सॉन्ग याद आता, जोड़ी क्या ही खतरनाक थी इनकी, इसे नाचना आता था, इसे नचाना आता था, जोड़ी क्या ही खतरनाक थी इनकी। अभी के बीच में बैठ चुका हूँ फोटो लेने के लिए, भाई ये रे मेरे भैया और ये रे मेरी भाभी, कैसी हो भैया? कदा ही सुंदर भाभी, बस घूर रही है, समझ में नहीं आ रहा उन्हें क्या। भाभी गुस्सा हो चुकी है, और भाभी कह रही है कि मेरा फेस नहीं आना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं अपना पूरा एक साल बाद अपना प्रोजेक्ट, अब उसके बाद ये रहा। फाइनली दुख की घड़ी आ चुकी है, जब हम देने जा रहे हैं वाइवा अपना, क्लास में तो आ चुके हैं, अब देखते हैं वाइवा में क्या होने वाला है। सुना है भाई बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गगन भाई सबकी जिंदगी झंड हुई पड़ी है हमारे लिए। भाई सबकी जिंदगी झंड हुई पड़ी है, टीचर दिखाता हूँ मैं गाइस, ये रहे हमारे टीचर, चल रहा है भाई वाह, और हम कर रहे हैं ब्लॉगिंग। चीज़ दिखाऊँ, देखो फ्रेशर्स आने वाले हैं, सारे एसी चल रहे हैं, फिर भी दो तो खराब ही हैं, बट एक एसी चल रहा है। गाइस यार मतलब फ्रेशर्स आते हैं तो ये लोग भाई कुछ भी करने को तैयार हैं, सीट्स लगवा दी पिछली बार, एसी चालू हो गए सारे, मतलब फ्रेशर्स आने पर देख रहे हो तुम फ्रेशर्स भाई। 12th का रिजल्ट आ चुका भाई, जितने भी लोग फेल हो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, सॉरी पास हो उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। रोस्ट कर लिया है ना भाई जब से मैंने, 4 दिन की स्किपिंग के बाद रोस्ट जब से करा है, दिमाग का भाई ऊपर हो गया मेरा, जो भी चीज़ बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रही, बिना गाली की चीज़ निकल रही और बिना मतलब नॉर्मल बात ही नहीं हो रही, सिर्फ रोस्ट वाली बातें चल रही है मेरे दिमाग में। बीटे अपना आ गया खाना LLU वालों की तरफ से, खाते हैं इसे। तो गाइस अभी हम आए थे एडमिशन ब्लॉक एंड ये है वर्चुअल टूर, यहाँ पे ऐसा होता है, एंड किसी को भी वर्चुअल टूर करना एडमिशन से ला सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस अपने फिलहाल सारे अपने काम ख़त्म हो चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, एंड लास्ट डे था अपना, बाय बाय करते चलते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, एंड अभी मैं जा रहा हूँ गलगोटिया कॉलेज, एक प्लेसमेंट टीम से कबाब करनी थी तो उनसे मिलना था, तो अभी चलते सीधे गलगोटिया कॉलेज। आज का दिन इतना ही था यूनिवर्सिटी में, सॉरी अब मैं भी डिसकंटिन्यू हो चुका हूँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, चलते हैं पहले फटाफट से कलगुटिया। तो फिलहाल अभी हम आ चुके अपने घर, एंड इस ब्लॉक को करते हैं यहीं एंड ज़्यादा मैं लोगों से नहीं मिला बिकॉज यार लास्ट डे थोड़ा इमोशनल हो जाता है, एंड अब हमारे कलगुटिया के परमानेंटली ब्लॉक आई थिंक बंद होने वाले हैं, एक आध दिन जाना होगा तो फिर बनाएंगे वीडियो, बट हमारे परमानेंटली अब कलगुटिया के ब्लॉक बंद होंगे, एंड मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आते रहेंगे आगे, बाय बाय, टेक केयर, क्या ही बोलूँ भाई, मिलते हैं आपसे, पर टेक केयर।